वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए गैस रेगुलेटर का हम सेकंड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस पार्ट का ड्राइंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक आप बिना स्किप के देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी लेंथ हम अप्लाई करेंगे 58 mm। फिर से यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसकी हाइट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 6 mm। अब यहाँ पर इसका डायमीटर अप्लाई करेंगे, फुल डायमीटर 6.5 mm और इसका डायमीटर रहेगा 9.5 mm। 4.5 mm, देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट ऑटोमेटिक सेट हो गई है 26.5। अब सिंपली फीचर में जाना है और रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है, फिर ओके कर देना। चैम्फर एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 2.5 45, इसका एंगल रहेगा और फिर ओके करना है। टॉप फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, फिर यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे 4.6 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर इसकी साइज ब्लाइंड कंडीशन 3 mm, बट यहाँ पर देखिए फ्लिप साइड टू कट, इसे सिलेक्ट कर देना है और फिर ओके करना है। फिर यहाँ पर होल विजार्ड में जाना है, होल विजार्ड में देखिए यहाँ पे टैप होल हमें सिलेक्ट करना है, स्ट्रेट टैप, यहाँ पे अनसीमेट्रिक, फिर टैप्ड होल, फिर यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 3.05। ब्लाइंड कंडीशन यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 6 mm, हमें इसकी डीप रखनी है और यहाँ पर थ्रेड की डीप भी 6 mm रहेगी। पोजीशन यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पर थ्रेड शो नहीं हो रहे तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर डिटेलिंग में शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड ओके, यहाँ पे थ्रेड अप्लाई करेंगे। होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में आपको थ्रेड वाला फीचर मिलेगा, इसे ओपन करना है। एज को सिलेक्ट करना है फर्स्ट में, देखिए इसका लोकेशन, इस एज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ब्लाइंड कंडीशन इसकी 4 mm, फिर यहाँ पर मैट्रिक डाई 10.1, मैट्रिक डाई 10.1 क्योंकि आउटर साइड में इसके थ्रेड है। फिर यहाँ पर ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट यहाँ पर 2 mm रिवर्स साइड में और फिर यहाँ पर देखिए मेंटेन थ्रेड, इस पर क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। चैम्फर एक्टिवेट करेंगे, चैम्फर में यहाँ पर 0.5 45 डिग्री और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट कर देना है और फिर ओके कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे,
अपेरेंस में जाने के बाद यहां पर मेटल, मेटल में हमें ब्रास सिलेक्ट करना है और यहां पर पॉलिश, पॉलिश ब्रास। सेव करेंगे, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें हमें ये सेव करना है। तो यहां पर गैस रेगुलेटर पार्ट टू और फिर सेव कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।